नवीनीकरण ऊर्जा एक ऐसा क्षेत्र बन गया है जिसमें प्रतिस्पर्धा काफी बढ़ चुकी है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इस सेक्टर पर अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। भारत ने साल 2011 में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसका मकसद बिना किसी प्रदूषण के एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश में ऊर्जा की कमी को दूर करना था। भारत ने विश्व व्यापार संगठन में सौर ऊर्जा नीतियों को लेकर अमेरिका पर पलटवार करते हुए अमेरिका के कानूनी दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। भारत ने WTO में अपने सौर ऊर्जा उद्योग के पक्ष में नई दलील दी है। दरअसल पिछले महीने अमेरिका ने इस मामले को लेकर भारत के खिलाफ नए सिरे से मुकदमेबाजी शुरू की थी। WTO में अमेरिका ने दलील दी थी कि भारत सौर ऊर्जा पर विश्व व्यापार संगठन के फैसले का पालन करने में विफल रहा है। अमेरिका का कहना था कि मामले में भारत की नीतियां सोलर सेल्स और मॉड्यूल के विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ हैं। इसे विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ भेदभाव हो रहा है। सोमवार को WTO ने एक बयान जारी कर कहा कि भारत ने विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार अपनी नीतियों में बदलाव कर दिया है। भारत ने कहा कि मामले में अमेरिका का दावा पूरी तरह से निराधार है। भारत ने जोर देकर कहा कि मामले को लेकर अमेरिका की शिकायत वैध नहीं है। भारत ने कहा कि अगर मामले में कानूनी प्रक्रिया का पूरे तरीके से पालन किया जाएगा तो वो सही साबित होगा, लिहाजा 19 दिसंबर 2017 को अमेरिका की शिकायत को सिरे से वो खारिज करता है। टीम इंडिलिंक्स।